हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पाइनएप्पल की चटनी बनाना बताएंगे। पाइनएप्पल का जूस और जैम तो आपने बहुत यूज़ किया होगा, पर पाइनएप्पल की इस तरह की ग्रीन चटनी आप पहली बार देखेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसमें हम पाइनएप्पल को छोड़कर बाकी इंग्रेडिएंट्स अपने बगीचे के लिए हैं। नमक जितना आपको आवश्यकता अनुसार चाहें पहले डाल लीजिए। इसके बाद पुदीना और धनिया हमने हाफ हाफ कप ली है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या सिर्फ पुदीने से या सिर्फ धनिया से भी इसे बना सकते हैं। इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए। हमारा पाइनएप्पल बहुत खट्टा है, इसलिए हम इसमें नींबू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच लेमन जूस भी डाल लीजिए। हमने ग्रीन लहसुन के पत्ते डाले हैं। आपके पास अगर लहसुन के पत्ते ग्रीन ना हो तो आप इसमें लहसुन की 4 से 5 कलियां डाल लीजिए। थोड़ा सा मैंने आधी कटोरी करीब पाइनएप्पल कट किया है और 5 मिर्चें डाली हैं। मिर्चें आप अपने अनुसार डालकर पूरी सब चटनी को बिना पानी के ही ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि अनानास का जूस होता है, इसके कारण पानी खुद ही मिल जाता है। ये चटनी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। इसे फ्रिज में रख के 5 से 6 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।